ये एरोप्लेन जो आप अभी देख रहे हैं, इसके अंदर 50 किलो सोना रखा हुआ है, और आप चाहे माने या ना माने, लेकिन इसे चोरी करना बहुत जरूरी है। इतना जरूरी कि अगर कुछ ही घंटों में इसे चोरी नहीं किया तो उसकी वजह से लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी चोरी करेगा कौन? कौन है जो एक उड़ते हुए प्लेन से, जो जमीन से लिटरली हजारों फीट ऊपर उड़ रहा है, उसे चोरी करने की सोचेगा भी? और दूसरा कारण ये भी है कि ये सोना किसी ऐरे गैरे आदमी का नहीं है, ये सोना है दुनिया के सबसे खतरनाक आदमी का। एक ऐसा आदमी जिससे अगर आपने आंख मिलाकर बात भी की तो वो आपकी आंखें नोच लेगा, और उसके साथ चालबाजी करने वालों को तो वो बहुत बुरी मौत देता है। आपको लगेगा कि कोई बेवकूफ ही होगा जो अपनी मर्जी से उस सोने को चोरी करने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बेवकूफ का जस्ट उल्टा शातिर होता है। और ये कहानी भी उन शातिर लोगों की है जो इस चोरी को अंजाम देने वाले हैं, फिर चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। इन चोरों को सरकार ने खुद हायर किया था, और इस चोरी के बदले उन्हें मिलेगी उनकी आजादी। मतलब अगर इन 5 लोगों ने इस चोरी को अंजाम दे दिया तो उनके पिछले सभी गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, और यहाँ तक कि वो अपनी पिछले चोरियों के चुराए हुए पैसे भी अपने पास रख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए देखते हैं कि सरकार ने आखिर ये काम इन लोगों को ही क्यों सौंपा। इन चोरों के बारे में जानने के लिए हमें शुरू से शुरू करना होगा। अब क्योंकि ये पूरी मूवी एक नामुमकिन सी दिखने वाली चोरी के बारे में है, इसीलिए सबसे पहले हमें ये दिखाया जाता है कि इन चोरों में कितनी काबिलियत है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है पेरिस से। आज यहाँ पर एक NFT की नीलामी हो रही थी जिसे एनेट नाम के एक इंजीनियर ने बनाया था। ये NFT कुछ नहीं बस एक हेलमेट था जिसके ऊपर ढेर सारे कैमरे लगे हुए थे। लोग धीरे धीरे अपनी बोली लगाना शुरू करते हैं, और देखते ही देखते इस अजीब से दिखने वाले हेलमेट का भाव आसमान छूने लगता है। बोली लगाने वाले सभी लोगों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने चेहरे ढक रखे थे, लेकिन उन्हीं लोगों के बीच में हम साइरस नाम के एक आदमी को देखते हैं। साइरस ही वही चोर है जो आज यहाँ पर उस NFT की चोरी को अंजाम देने आया है। हम देखते हैं कि इस पूरी नीलामी के दौरान इंटरपोल की पुलिस ने साइरस के ऊपर अपनी नजर बनाए रखी थी। ये जो लड़की जिसे आप देख रहे हैं, इसका नाम एबी है, और उसे पता है कि साइरस एक कौन मैन है, इसीलिए उसे पकड़ना उसकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट मिशन है। एबी ये देखकर बहुत हैरान थी कि साइरस अपनी बोली बढ़ाए ही जा रहा था, जबकि उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। इनफैक्ट वो तो उस ऑक्शन में सबसे कंगाल आदमी था। हम देखते हैं कि साइरस $20 मिलियन में उस NFT को खरीद लेता है, और वो जैसे ही उसे रजिस्टर करने जाता है, हम देखते हैं कि म्यूजियम में सिक्योरिटी अलार्म्स बजने लगते हैं। म्यूजियम में ये अलार्म्स तब बजते हैं जब कोई किसी कीमती चीज को उसकी जगह से थोड़ा भी हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ तो सब कुछ ठीक था, फिर ये अलार्म बजा कैसे? अब क्योंकि एनेट और साइरस के बीच में $20 मिलियन की डील हो चुकी थी, इसीलिए वो दोनों चुपके से उस म्यूजियम से बाहर निकल जाते हैं। इतनी अफरा तफरी में एनेट किसी से पूछता भी नहीं कि वो लोग कौन है, वो बस उन पर भरोसा करके उनके साथ चला जाता है। हम देखते हैं कि साइरस अपनी टीम के साथ एनेट को किडनैप करने आया था, और जब एबी उसका पीछा करती है तो साइरस का क्रू मिलकर एबी के सारे रास्ते बंद कर देते हैं, और हर बार की तरह इस बार भी वो उसके हाथों से फिसल जाता है। साइरस एनेट को अपनी बोट पर लाता है, और हम देखते हैं कि ये तो बस एक मोटा लड़का था जिसे कुछ अमीर लोग बस ऐसे ही हवा में चढ़ाए हुए थे। उस रात वो सभी खूब पार्टी करते हैं, और एनेट इस बात से बिल्कुल अनजान था कि दुनिया भर के अखबारों, न्यूज चैनल्स और मीडिया हाउसेस में सिर्फ उसी की किडनैपिंग के चर्चे हो रहे थे। एनेट जब नींद से उठता है तो वो TV पर अपनी न्यूज देखता है, और समझ जाता है कि अब उसकी लग चुकी है। साइरस उसे कहता है कि देखो यार, हमने तुम्हें किडनैप नहीं किया, हम बस लोगों को तुम्हारी वैल्यू बताना चाहते हैं। साइरस उसे दिखाता है कि जब से वो किडनैप हुआ है तब से उसकी NFT की वैल्यू $80 मिलियन हो चुकी है। वो उसे मोनालिसा पेंटिंग की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि कैसे इस पेंटिंग की वैल्यू सिर्फ $25,000 थी। वो एक म्यूजियम में पिछले 400 सालों से पड़ी हुई धूल खा रही थी, और किसी ने भी कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब एक आदमी ने उसे चोरी कर लिया तो अचानक से लोग उसकी वैल्यू करने लगे। वो कहता है कि हमने भी तुम्हारी NFT के साथ यही किया है, हमने उसे चोरी करके तुम्हारी वैल्यू बढ़ा दी। एनेट भी अब खुश था, क्योंकि कहां उसे पहले सिर्फ $20 मिलियन मिलने वाले थे, और कहां अब वो 35 मिलियन का मालिक है, और इससे उसे जो पॉपुलैरिटी मिली थी उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं था। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द मेंबर्स ऑफ दिस चोरों की टोली। तो सबसे पहले आता है ऑफ कोर्स साइरस, जो इन सभी का लीडर था। उसके बाद है उनके पास एक हैकर जिसका नाम मिसुन था। उनके पास एक पायलट भी थी, और इस लड़की का नाम कैमिला है। अब क्योंकि वो लोग चोरी करते थे तो उन्हें कई लॉकर्स भी तोड़ने पड़ते होंगे, और इसी काम के लिए उनकी टीम का अगला मेंबर है मैग्नस। और हर फील्ड की तरह इस फील्ड में भी उनके पास ल्यूक नाम का एक इंजीनियर था जो चोरी करने के लिए नए नए गैजेट्स बनाता था। उनकी टीम में एक और मेंबर था, और इस आदमी का नाम डेंटन है, लेकिन वो अभी उन लोगों के साथ नहीं था, क्योंकि हम देखते हैं कि उसे इंटरपोल वालों ने पकड़ लिया था। एबी उसे साइरस और उसके दोस्तों के बारे में पूछती है,
लेकिन डेंटन ऐसे नाटक करता है जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं। एबी बहुत गुस्सा थी क्योंकि साइरस ने एक बार अपने फायदे के लिए उसका भी इस्तेमाल किया था और इसीलिए उसे पकड़कर जेल में डालना ही उसकी लाइफ की सबसे पहली प्रायोरिटी थी। लेकिन एबी का बॉस हक्सली उसे एक दूसरे मिशन पर अपॉइंट करना चाहता था। वो उसे योगेंसन नाम के एक बैंकर के बारे में बताता है। योगेंसन कंपनीज के स्टॉक वैल्यू को नीचे गिराकर गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाता था और ये आदमी इतना पावरफुल था कि इंटरपोल को कभी इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। हक्सली एबी को बताता है कि ये आदमी किसी भी कंपनी के स्टॉक को गिराने के लिए कुछ भी कर सकता है और पिछली बार तो उसने हद ही पार कर दी थी जब उसने एक पैसेंजर से भरे हुए पूरे प्लेन को आतंकवादियों के साथ मिलकर क्रैश करवा दिया था। लेकिन अफसोस आज तक इन सभी में उसकी इन्वॉल्वमेंट के कोई ठोस सबूत नहीं मिले। एबी को पता चलता है कि योगेंसन फिर से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर सिविलियंस पर हमला करवाना चाहता है। उसे ये करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे जो उसके पास थे भी, लेकिन वो उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की पेमेंट गोल्ड के थ्रू करना चाहता है ताकि उसे कोई ट्रैक ना कर सके, और अगर हम उसे ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे तो वो कभी पकड़ा भी नहीं जाएगा। हक्सली एबी से कहता है कि उसे पता है कि वो गोल्ड कहाँ जा रहा है, लेकिन फिर भी हम उसे रोक नहीं सकते। हमें उस गोल्ड को किसी भी तरह योगेंसन तक पहुँचने से पहले चोरी करना होगा ताकि उसकी ट्रांजैक्शन कभी पूरी ही ना हो सके। एबी ये सुनकर बहुत हैरान थी कि इंटरपोल खुद इस तरह के मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार था। हक्सली उसे कहता है कि ऐसा कोई नहीं है जो इस काम को कर सकता है सिवाय साइरस के। वो चाहता था कि वो साइरस से बात करके उसे इस काम के लिए मनाए। एबी उसके साथ काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन यहाँ उसे अपने पर्सनल मैटर को भूलकर उन लोगों के बारे में सोचना था जो इस गोल्ड की ट्रांजैक्शन होते ही मारे जाते। इसके बाद वो उसकी बताई हुई एक लोकेशन पर जाती है जहाँ पर साइरस उसका पहले से इंतजार कर रहा था। साइरस और एबी पहले एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हुआ करते थे, लेकिन अब एबी उसे नफरत करती है क्योंकि दोनों की सोच और काम करने के तरीके अलग हैं। एक है जो क्रिमिनल्स को पकड़ती है और दूसरा है जो क्राइम करता है लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। एबी उसे इंटरपोल का वो ऑफर देती है जिसके बारे में उसके बॉस ने उसे बताया था, लेकिन जब साइरस को पता चलता है कि उसे योगेंसन की जेब काटनी है तो वो उसे दूर से ही नमस्ते कह देता है क्योंकि उसे भी पता था कि वो कितना खतरनाक आदमी है। एबी उसे कहती है कि हमारे पास बेशक तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन तुम्हारे वो तीन दोस्त डेंटन, ल्यूक और मैग्नस, उन तीनों के खिलाफ हमारे पास पक्के सबूत हैं कि उन्होंने लंदन से एक फेमस पेंटर की पेंटिंग चुराई थी। दरअसल हुआ यह था कि साइरस ने जो 20 मिलियन डॉलर की बोली लगाई थी वो उसने उसी पेंटिंग को ब्लैक मार्केट में बेचकर कमाए थे। साइरस जानता था कि वो तो बच जाएगा, लेकिन उसके दोस्त इसमें बुरी तरह से पीसे जाएंगे। वो इंटरपोल के लिए काम करने को तैयार था, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, और उसकी शर्त ये थी कि एबी भी उसके साथ इस मिशन पर रहेगी, क्योंकि उसके साथ होने से इंटरपोल कल को ये नहीं कह सकता था कि ये मिशन उनका नहीं था। उसे पता था कि ये लोग दूसरों को इन मामलों में फंसाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। अब साइरस तो इस मिशन के लिए तैयार था, लेकिन उसकी टीम के बाकी के लोग नहीं, क्योंकि उन्हें एबी पर भरोसा नहीं था। साइरस उन्हें बताता है कि अगर हमने ये चोरी कर ली तो हमें अपनी बाकी की जिंदगी को इस तरह छुप छुप कर नहीं जीना होगा। दूसरी तरफ हम योगेंसन को देखते हैं। उसे एक आदमी के बारे में पता चला था जिसे इंटरपोल वालों ने कुछ ही महीनों पहले अरेस्ट किया था। वो आदमी योगेंसन से कहता है कि उसने इंटरपोल को उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन योगेंसन उसे कहता है कि तुमने उन्हें थोड़ा भी क्यों बताया था, और इतना कहकर उसके लोग उसे मार देते हैं। हक्सली ने प्लान किया था कि वो उस गोल्ड को उस प्राइवेट प्लेन तक पहुंचने से पहले ही चोरी कर लेंगे, लेकिन साइरस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसके अकॉर्डिंग गोल्ड को जमीन पर चोरी करना इम्पॉसिबल था और ये काम उन्हें आसमान में ही करना होगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वो जमीन से हजारों फीट ऊपर इस चोरी को अंजाम देने वाले थे। वो लोग एक आदमी के पास जाते हैं जिसके पास एक मस्त हाईटेक जेट था, और उसकी खास बात ये थी कि वो गैरकानूनी था क्योंकि इस बंदे ने उस प्लेन के अंदर इतनी मॉडिफिकेशन की थी कि ये प्लेन अब एक प्लेन ना होकर एक डिस्को बार बन गया था। साइरस उसे उस प्लेन के बदले एनेट की एक नई एनएफटी देने का वादा करता है, और उसकी मंजूरी के बाद ये प्लेन अब उनका था। उस प्लेन को उड़ाने से पहले उन्हें बहुत से काम करने थे, जैसे कि सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो उस प्लेन को एयरपोर्ट सिक्योरिटी रेडार से छुपाएं कैसे, क्योंकि अगर एक साथ दो प्लेन रेडार में पकड़े जाते हैं तो उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मैग्नस साइरस को बताता है कि उसने उस लॉकर को खोलने के लिए जो लेजर बनाया है वो सिर्फ जमीन पर ठीक तरह से काम कर सकता है, क्योंकि ऊपर तो इतना ज्यादा टर्बुलेंस होता है कि वो लेजर ठीक से एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाएगा। दूसरी ओर कैमिला अपने प्राइवेट प्लेन को उस कमर्शियल प्लेन के साथ ठीक से अलाइन करने की प्रैक्टिस करने लगती है, क्योंकि तभी वो उस गोल्ड को एक प्लेन से दूसरे प्लेन में ट्रांसफर कर पाते। सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन इसी बीच ह्यूक्सली साइरस को मिलने के लिए बुलाता है। वो उन्हें बताता है कि हमें अपने खबरी की लाश मिली है और मुझे लगता है कि अब हमारे पास समय बहुत कम है।
साइरस को डर था कि कहीं वो उसके दोस्तों के साथ भी वही ना करे जो उसने उस आदमी के साथ किया था। वो ह्यूक्सली को ये काम करने से मना कर देता है, लेकिन उसे मना करते ही इस बात का एहसास हो जाता है कि ये लोग मुझसे ये काम करवा कर ही मानेंगे, फिर चाहे उसके लिए ये हमें ब्लैकमेल ही क्यों ना करें। साइरस अपने दोस्तों को कहता है कि तुम में से कोई भी इस मिशन पर नहीं जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उनमें से किसी को भी कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन साइरस के दोस्त भी उसकी फिक्र करते थे, इसीलिए उनमें से कोई भी उसे छोड़कर नहीं जाता, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए जान भी देने को तैयार थे। उनके काफी प्लान करने के बाद भी उनकी रेडार वाली प्रॉब्लम सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि वो चाहे कितने भी कोशिश कर लें, लेकिन उनके प्लेन को रेडार से हटा पाना नामुमकिन था। एबी उसे बताती है कि वो एक आदमी को जानती है जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी में काम करता है, वो शायद हमारी मदद कर सके। साइरस और एबी उसके पास जाते हैं और उस आदमी को बताते हैं कि उसे सिक्योरिटी रेडार से एक प्लेन को गायब करना है। एबी उसे कहती है कि तुम ये करके लाखों लोगों की जान बचा सकते हो और तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। लेकिन उस बेचारे आदमी को इंटरपोल के लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसका मानना था कि ये लोग एक नंबर के धोखेबाज होते हैं और ये मुझे बाद में देशद्रोह के इल्जाम में जेल में डाल देंगे। पर साइरस उसे कहता है कि वो उसे इस काम के लिए $1,000,000 देगा, जिसके बाद वो आदमी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। हम देखते हैं कि मी सुन ने एक डिवाइस बनाया था और ये डिवाइस उनके बहुत काम का था। इनफैक्ट उसके बिना वो कोई काम नहीं कर पाते, लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि वो दिखने में किसी बॉम्ब जैसा था, इसलिए उसे इस तरह प्लेन में ले जाने पर एयरपोर्ट पर ही उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता। मी सुन उस बॉम्ब जैसे दिखने वाले डिवाइस के टुकड़े करती है और उसे डेली हाउसहोल्ड आइटम्स के अंदर डालकर उन्हें छुपा देती है, ताकि सिक्योरिटी चेक के दौरान उन्हें कोई पकड़े नहीं। दूसरी तरफ योगेंसन ने जिस प्राइवेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आतंकवाद फैलाने का काम दिया था, वो योगेंसन को नमूने के तौर पर एक शहर की वाटर सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम को हैक करके उस पूरे शहर को पानी में डुबा देते हैं। इस अटैक में ढेर सारे लोग मारे जाते हैं और ये तो बस अभी नमूना था, क्योंकि असली हमला वो उस गोल्ड की पेमेंट के बाद करने वाले थे। साइरस और उसके सभी लोग प्लेन में चढ़ जाते हैं। कुछ लोग इकोनॉमी क्लास में जाकर बैठ जाते हैं तो कुछ लोग बिजनेस क्लास में बैठे हुए थे। जब उनका प्लेन टेक ऑफ करने वाला था, तभी साइरस को ल्यूक का फोन आता है। वो कहता है कि उसे बहुत डर लग रहा है, इसलिए वो इस मिशन पर नहीं आ सकता। ल्यूक के इस अचानक से लिए हुए फैसले की वजह से उनके मिशन को 10-20% का नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी साइरस उसे वापस लौटने के लिए फोर्स नहीं करता और अब उन्हें इस मिशन को उसके बिना ही पूरा करना था। प्लेन टेक ऑफ होने के बाद उन्हें थोड़ा इंतजार करना था, क्योंकि दूसरी तरफ कैमिला अपने प्राइवेट जेट को लेकर उनकी और कुछ ही देर में पहुंचने वाली थी। उस प्लेन की पहचान को छुपाने के लिए उन लोगों ने उस पूरे प्लेन को हल्की फाइबर की शीट से ढक दिया था और हर एक शीट पर कुछ कैमरे लगे हुए थे, सो दैट कैमिला देख सके कि वो प्लेन को सही डायरेक्शन में लेकर जा रही है कि नहीं, क्योंकि अगर उससे जरा भी चूक होती तो दोनों प्लेन आपस में टकरा जाते और कोई भी जिंदा नहीं बचता। हम देखते हैं कि साइरस के लोग एक एक करके वॉशरूम की ओर जाते हैं। दरअसल वो लोग उस डिवाइस के पार्ट्स को बाथरूम के कोने कोने में छुपा कर वहाँ से बाहर निकल रहे थे। हम देखते हैं कि उसी प्लेन में योगेंसन के कुछ लोग बैठे हुए थे और मिस उन साइरस को बताती है कि उनमें से 3 लोग काफी देर से उन्हें ही देख रहे हैं, शायद उन लोगों को हम पर शक हो गया है। खैर वो फिर भी कुछ नहीं करने वाले थे, क्योंकि अभी तक सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक चल रहा था। जब सारे पीसेस वॉशरूम तक पहुंच जाते हैं तो आगे का काम एबी को करना था। एबी जब वॉशरूम में जाती है तो वो एक एक पार्ट्स को इकट्ठा करके उन्हें जोड़ देती है, लेकिन वो जैसे ही उसे ऊपर रखने जा रही थी तभी हम देखते हैं कि उसका पैर फिसल जाता है और वो डिवाइस जमीन पर गिरकर टुकड़ों में बिखर जाता है। उसके इतने टुकड़े हुए थे कि एबी अब श्योर नहीं थी कि वो दोबारा चल पाएगा भी कि नहीं। साइरस उसके काफी देर तक बाहर आने का इंतजार करता है, लेकिन एबी बाहर नहीं आती, जिसके बाद उसे ही अंदर जाना पड़ता है। वो देखता है कि एबी ने सब कुछ सत्यानाश कर दिया था और सबसे बेकार बात, उसे भी उस डिवाइस की उतनी ही नॉलेज थी जितनी की एबी को, यानी कि 0। उन्हें उस डिवाइस को जोड़ने में काफी टाइम लगने वाला था, लेकिन कैमिला अपने प्लान के अकॉर्डिंग उस पैसेंजर प्लेन से कॉन्टेक्ट करने के बहुत करीब थी। वो उस प्लेन के इतने करीब आ गई थी कि अब एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर बैठा उनका आदमी उसके प्लेन को अपने रेडार सिस्टम पर साफ साफ देख सकता था। वहाँ पर बैठी एक दूसरी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर उसे उस दूसरे प्लेन के बारे में बताती है, लेकिन अब हैरी के एक्टिंग करने का टाइम आ गया था। वो उसे कहता है कि क्योंकि मैं चल नहीं सकता, इसलिए तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, तुम्हें लगता है कि मैं अपना काम ठीक से नहीं कर सकता। जितनी देर में हैरी उस बेचारी औरत को ताने मार रहा था, उतनी देर में साइरस उस डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से रेडार पर जो 2 प्लेन दिखाई दे रहे थे उनमें से एक प्लेन फिर से गायब हो जाता है। वो प्लेन सिर्फ रेडार पर गायब हुआ था, असल में कैमिला का जेट उस प्लेन के जस्ट नीचे था। हैरी पायलट को बताता है कि उनकी आगे का मौसम बहुत खराब है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द अपने पास के किसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग करनी होगी। अब एक पायलट को हमेशा एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स के ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं, भले ही आगे का रास्ता कितना भी साफ हो, लेकिन अगर उन्होंने मुड़ने के लिए कह दिया तो उन्हें वो फॉलो करना ही पड़ता है। प्लेन का कैप्टन जब इस बात की अनाउंसमेंट करता है तो योगेंसन के लोग समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हम देखते हैं कि वो लोग अपने साथ एक गन को लेकर ट्रैवल कर रहे थे, जिसे वो फटाफट असेंबल करने लगते हैं।
दूसरी ओर मैग्नस मौका पाते ही उस प्लेन के बेसमेंट में चला जाता है। वैसे बिना क्रू की परमिशन के कोई भी बेसमेंट में नहीं जा सकता, लेकिन वहाँ तक जाने के बहुत रास्ते होते हैं, बस आपको कुछ स्क्रूज खोलने पड़ेंगे। हम देखते हैं कि जैसे ही वो प्लेन अपने रूट से डाइवर्ट होता है, कैमिला अपने एक ड्रोन पर ट्रैकर लगाकर उसे उस प्लेन के असली रूट की तरफ भेज देती है। ये ड्रोन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रेडार पर साफ साफ शो हो रहा था, और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि बाकी के लोगों को लगे कि प्लेन अभी भी अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन की ओर जा रहा है। योगेंसन के लोगों का सब्र का बांध अब टूट गया था, इसीलिए वो फ्लाइट क्रू को हॉस्टेज बना लेते हैं। वो चाहते थे कि पायलट प्लेन को वापस मोड़े और उसी रूट पर चले जहां से उन्होंने प्लान किया था। दूसरी ओर मैग्नस लगा हुआ था उस लॉकर को खोलने में। वो जैसे ही एयर लॉक को खोलता है, एयर प्रेशर चेंज की वजह से पूरे प्लेन में टर्बुलेंस होने लगता है। मैग्नस चाहता था कि थोड़ी देर के लिए सब कुछ स्टेबल हो जाए ताकि वो लॉक को ब्रेक कर सके, लेकिन टर्बुलेंस बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि योगेंसन के लोग प्लेन को बार बार मोड़ने की कोशिश कर रहे थे। साइरस जानता था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैग्नस उस सेफ को कभी नहीं खोल पाएगा। वो अपनी सीट से उठता है और वो लोगों पर अटैक कर देता है। उन लोगों के बीच में बहुत फाइट होती है और इसी अफरा तफरी के बीच मैग्नस उस सेफ को खोलने की कोशिश भी कर रहा था। वो किसी तरह उस लॉक को खोल तो देता है, लेकिन उन लोगों ने बहुत देर कर दी थी। साइरस जब मैग्नस के पास जाता है तो वो देखता है कि योगेंसन के लोगों ने उसे पकड़ लिया था और वो सभी अब गन पॉइंट पर थे। कॉर्मैक नाम का एक हेंचमैन उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और तुमने इस सेफ को कैसे खोला। उसके पास उसके बॉस का फोन आता है और अब उसे भी पता चल गया था कि शहर के कुछ चोर उचक्के उसके सोने पर हाथ साफ करने की कोशिश कर रहे थे। योगेंसन उन्हें अपने हाथों से मारना चाहता था, इसलिए वो कॉर्मैक से कहता है कि उन्हें वो सभी जिंदा चाहिए। लेकिन वो जब बात कर रहे थे तभी पायलट ने लैंडिंग की तैयारियां शुरू कर दी थी। ये लैंडिंग इतनी आसान नहीं होने वाली थी क्योंकि पूरा रनवे बर्फ से ढका हुआ था। कॉर्मैक उन्हें लैंड करने से मना करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम देखते हैं कि वो प्लेन रनवे पर लैंड करते ही फिसलने लगता है, जिसकी वजह से वो प्लेन क्रैश हो जाता है। उस प्लेन के क्रैश लैंड करने के बाद कैमिला भी उसी रनवे पर अपने जेट को लैंड करवाती है। उसे लगा कि साइरस ने उस गोल्ड को अपने कब्जे में कर लिया होगा, लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलती है, कॉर्मैक उसकी उम्मीदों पर मिट्टी फेर देता है। वो कहता है कि अब वो उस गोल्ड को उनके जेट में लेकर जाएंगे और तुम सभी लोग मेरे साथ चलोगे। साइरस उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये जेट इतने सारे गोल्ड का वजन नहीं झेल पाएगा। वो कहता है कि देखो, यहाँ पर पास में एक रेलवे ट्रैक है, हम वहाँ चलते हैं और उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो। कॉर्मैक समझ जाता है कि ये सब के सब बहुत चालाक हैं। वो उसकी एक नहीं सुनता, और अच्छी बात है कि उसने साइरस की बातों पर विश्वास नहीं किया क्योंकि उस रेलवे ट्रैक पर हक्सली अपनी इंटरपोल टीम के साथ उनका इंतजार कर रहा था। इसके बाद कॉर्मैक उस गोल्ड को उनके प्राइवेट जेट में लोड करवा के योगेंसन के प्राइवेट आइलैंड की ओर जाने लगता है। जब हक्सली को पता चलता है कि उन लोगों ने अभी अभी फिर से टेक ऑफ किया है, तो वो समझ जाता है कि वो लोग सोना इस ओर नहीं लाने वाले। अब वो सभी आसमान में थे और उन्हें ट्रैक करना भी मुश्किल था। कैमिला देखती है कि उन्होंने रडार से बचने के लिए जो प्लेन पर शील्ड लगाई थी, उसकी एक एक प्लेट टूट कर गिर रही थी। ये देखकर कैमिला कुछ नहीं करती, बस वो इस आग में थोड़ा सा और घी डाल देती है। वो प्लेन में इतना टर्बुलेंस क्रिएट करती है कि उसकी वजह से वो प्लेन एक बार फिर से एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार में कैप्चर हो जाता है। अब हक्सली को पता चल गया था कि वो लोग कहाँ हैं, और उसे अगले कुछ ही मिनटों में अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फैसला करना था। हक्सली नहीं चाहता था कि वो गोल्ड किसी भी तरह योगेंसन के पास पहुंचे, इसलिए वो US एयरफोर्स को उस प्लेन पर अटैक करने के लिए कहता है, ये जानते हुए भी कि एबी उस प्लेन में थी। उसके ऑर्डर के बाद US एयरफोर्स के दो फाइटर जेट उस प्लेन को ट्रैक करते हैं और उन्हें अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करने की फाइनल वार्निंग दी जाती है। काफी देर इंतजार करने के बाद भी उन्हें रेडियो से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। हैरी उन्हें बचाने के लिए फाइटर पायलट से झूठ बोलता है। वो कहता है कि उस जेट के अंदर सिविलियंस है, इसीलिए उन्हें थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन पायलट्स को सॉलिड प्रूफ चाहिए थे। पायलट्स कहते हैं कि अगर उन्हें अगले कुछ मिनटों में इस बात का कंफर्मेशन नहीं आया तो हम इस प्लेन पर अटैक कर देंगे। दूसरी ओर साइरस और एबी योगेंसन के लोगों से लड़ रहे थे। उस जेट के नीचे एक बहुत बड़ी LED स्क्रीन लगी हुई थी। एबी एक रिमोट की मदद से फाइटर्स को ये कंफर्मेशन देती है कि उस प्लेन के अंदर सच में सिविलियंस हैं, जिसके बाद मिलिट्री को इस मिशन को अबॉर्ट करना पड़ता है क्योंकि बिना किसी हायर अथॉरिटी के सिविलियंस पर अटैक करना उनके लिए बहुत बड़ा ऑफेंस हो जाता। हक्सली को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि इन्होंने उस पर अटैक नहीं किया क्योंकि उनका प्लेन योगेंसन के आइलैंड के एकदम पास आ चुका था, और अगर वो गोल्ड उसे मिल गया तो उसकी वजह से लाखों सिविलियंस मारे जाएंगे। हम देखते हैं कि जब वो जेट लैंड करने वाला था तभी एक फाइबर का टुकड़ा उस जेट के विंग से जाकर टकरा जाता है। इस टकराव की वजह से प्लेन का विंग डैमेज हो गया था। योगेंसन उस जेट को अपने पास आता हुआ साफ साफ देख सकता था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये प्लेन उसकी ओर नहीं बल्कि उसके ऊपर लैंड करने वाला है। कैमिला अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो उस प्लेन को सेफली रनवे पर लैंड करवा सके, लेकिन ये कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और रनवे को टच करते ही
उनका प्लेन आउट ऑफ बैलेंस होकर रगड़ता हुआ क्रैश हो जाता है। हम देखते हैं कि वो सारा गोल्ड उस प्लेन से नीचे गिरकर सड़क पर बिखर जाता है। योगेंसन उन लोगों पर बहुत गुस्सा था क्योंकि इस पूरी लड़ाई में उसने उसके सबसे भरोसेमंद आदमी को मार दिया था। एक औरत जो उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की एजेंट थी, उसके फोन पर एक सीक्रेट मैसेज आता है और उन्हें पता चलता है कि ये लोग सिर्फ चोर नहीं है बल्कि इनमें से कोई एक इंटरपोल से है। वो कहती है कि अब ये डील नहीं हो सकती क्योंकि मुझे यहाँ से अभी इसी वक्त निकलने के ऑर्डर्स आए हैं। लेकिन योगेंसन उसके पैर पर गोली चला देता है। वो कहता है कि उसे ये डील करनी होगी, वो इस तरह पीछे नहीं हट सकती। वो औरत गन पॉइंट पर होने के बाद भी उसे डील करने से मना कर देती है, जिसके बाद योगेंसन उसे मार देता है। उसका अगला निशाना साइरस और उसके लोग थे। साइरस उससे झूठ बोलता है कि वो एजेंट मैं ही हूँ, तुम मुझे मार दो क्योंकि ये सारे लोग बस सिविलियंस हैं। योगेंसन उसे शूट करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और पुलिस के सामने वो किसी को गोली नहीं मार सकता था। योगेंसन उन्हें कहता है कि वो इन लोगों को नहीं जानता, ये लोग अचानक से ही मेरे प्राइवेट आइलैंड पर आ गए, इसीलिए मुझे इन पर गन पॉइंट करनी पड़ी, मेरा इन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। योगेंसन यहाँ तक भी कहता है कि इस औरत को भी इन लोगों ने मारा है। उसे यकीन था कि कोई भी उसे जेल नहीं भेज सकता, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सारी हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी थी। हम देखते हैं कि कैमला ने नेविगेशन के लिए जो जेट पर कैमरेज लगाए थे, उनमें से एक कैमरा ने योगेंसन को उस औरत पर गोली चलाते हुए रिकॉर्ड कर लिया था और इंटरपोल के लिए इतना सबूत काफी था उसे गिरफ्तार करने के लिए। जब एबी को पता चलता है कि हक्सली ने ही एयरफोर्स को उन पर अटैक करने के लिए कहा था, तो वो उसे जोर से थप्पड़ मारती है। हक्सली उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एबी ने फैसला कर लिया था कि अब वो इस डिपार्टमेंट के लिए काम नहीं करेगी। वो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देती है और साइरस के साथ वहाँ से चली जाती है। इसके कुछ हफ्ते बाद हम साइरस और एबी को एक साथ देखते हैं। ये दोनों अब एक दूसरे को डेट कर रहे थे और वो दोनों काफी खुश थे। वैसे इन सब चोरी के पूरे प्रोसेस में मैं आपको एबी की कहानी बताना तो भूल ही गया, क्योंकि उसकी भी इस मिशन में उतनी ही इम्पोर्टेंस थी जितनी की बाकी लोगों की। दरअसल एबी जब छोटी थी तो उसकी माँ स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। एबी अपने एक सीक्रेट मिशन के दौरान जब साइरस से पहली बार मिली थी तो उसने साइरस को बताया था कि उनके स्कूल में एक 300 साल पुरानी पेंटिंग थी। वो कहती है कि काफी लोगों ने उस पेंटिंग को खरीदने की कोशिश की, लेकिन एबी की माँ ने अपने जिंदा रहते कभी भी उस पेंटिंग को नीलाम नहीं होने दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस चीज को इंसान खरीद नहीं सकता उसे वो चुरा लेता है। उस पेंटिंग के साथ भी बिल्कुल वही हुआ, किसी ने उस पेंटिंग को स्कूल से चोरी कर लिया। वो चोर कभी पकड़ा नहीं गया और क्योंकि वो पेंटिंग एबी की माँ के दिल के बहुत करीब थी, इसीलिए वो उसके चोरी होने के बाद अक्सर दुखी रहती थी और आखिर में उनकी मौत हो गई। तभी से एबी ने फैसला कर लिया था कि वो इंटरपोल को ज्वाइन करेगी और उन लोगों को पकड़ेगी जो आर्ट की कदर नहीं करते और बस पैसों के लिए उन्हें ब्लैक मार्केट में नीलाम करते हैं। इसी वजह से वो शुरुआत में साइरस को भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी ये सोच बदल गई क्योंकि साइरस कुछ चोरी नहीं करता था, वो बस उस चीज की वैल्यू बढ़ाता था जैसा उसने एनेट की एनएफटी के साथ किया था। साइरस को भी एबी की इसी बात से प्यार हो गया था कि वो आर्ट की कितनी रिस्पेक्ट करती है। उसे लगा कि ये लड़की बिल्कुल उसकी तरह है, बस फर्क ये है कि मैं एक चोर हूँ और वो एक पुलिस ऑफिसर। वो एबी को बताता है कि उस दिन तुम्हारे स्कूल से जो पेंटिंग चोरी हुई थी मैंने उसे ढूंढ लिया और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने उसे उस चोर से खरीद लिया और मैं तुम्हें वो गिफ्ट करना चाहता हूँ। एबी ये सुनकर बहुत खुश होती है और अब उसके दिल में साइरस के लिए रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई थी। साइरस एबी को बताता है कि ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे सुनकर तुम चौंकना मत। साइरस उसे बताता है कि हमने वो पूरा सोना चोरी कर लिया है। एबी को लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो सच बोल रहा था। उन्होंने सच में पूरा सोना चोरी कर लिया था। दरअसल हुआ ये था कि उन्होंने फेक गोल्ड की एक दूसरी कैरेट बनाई थी और उस कैरेट को भी योगेंसन के सोने के साथ ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। जब मैग्नस ने वो सेफ खोली थी तो उसने मौका पाते ही असली वाले गोल्ड को उनके नकली वाले गोल्ड से बदल दिया था। इसका मतलब इतनी देर से वो जिस सोने के लिए लड़ रहे थे वो असली गोल्ड था ही नहीं। हमें ये भी पता चलता है कि ल्यूक यानी कि उनका वो इंजीनियर जिसने मिशन पर आने से मना कर दिया था वो भी उनके प्लान का एक हिस्सा था। दरअसल उसका काम था कि जब मैग्नस असली गोल्ड को प्लेन से गिरा दे तो उस गोल्ड को सही सलामत जमीन पर लैंड कराना, और इस तरह उन लोगों ने एक ही तीर से तीन निशाने लगाए थे। अब वो कानूनी तौर पर आजाद थे, उन्होंने अरबों रुपयों का सोना भी चुरा लिया और सबसे इम्पोर्टेंट योगेंसन अब जेल की हवा खा रहा था। इसके बाद वो सभी एक साथ फिर से इकट्ठा होते हैं और उन्हें अब उस गोल्ड को पानी से बाहर निकालना था। साइरस एबी से कहता है कि वो चाहता है कि वो अपने हाथों से उनकी इस जीत का इनॉग्रेशन करे। एबी जैसे ही रिमोट का बटन दबाती है हम देखते हैं कि गोल्ड की पूरी कैरेट जो पिछले एक हफ्ते से पानी के अंदर डूबी हुई थी वो बाहर आ जाती है। वो सभी खोजते हैं और हक्सली जो इतने समय से इस पूरे मिशन का क्रेडिट खाने की फिराक में था उसके हाथ कुछ नहीं लगता। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस मूवी।
कि आपने कभी लाइफ में किसी चोरी को विटनेस किया है और क्या वो कभी पकड़े गए? क्योंकि इस मूवी में तो जो चोर हमें दिखाए गए थे वो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, क्योंकि रियल लाइफ में तो लोग इतने स्मार्ट नहीं होते अनटिल अनलेस दे आर साइकोपैथ्स और वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट दे आर डूइंग, फिर चाहे वो इलीगल ही क्यों ना हो। सो प्लीज शेयर योर गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस विद अ चोर उचक्का एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।